हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड रियल रिव्यूज। मैं हूं रमीज अहमद खान और आज मैं रिव्यू करने वाला हूं आयुष्मान खुराना की नई मूवी ड्रीम गर्ल 2 के ट्रेलर को। तो चलिए शुरू करते हैं। आई वुड से वन वर्ड फॉर दिस ट्रेलर, एक्चुअली 2, डैम गुड। आई मीन मैंने बहुत दिनों के बाद बॉलीवुड में किसी मूवी का ट्रेलर देखा और मुझको बहुत ही ज्यादा पसंद आया। कमाल की एक्टिंग और बेहतरीन स्क्रीन प्ले और स्टोरी के साथ मेन कैरेक्टर्स वही हैं, ड्रीम गर्ल आका पूजा, जो कि अब डिफरेंट सिचुएशन में है। तो जो डायरेक्टर हैं राज, उन्होंने पुरानी स्टोरी को ही कंटिन्यू नहीं किया है। बेसिकली उन्होंने करा है कि सेम कैरेक्टर जो कि ड्रीम गर्ल का है, उसको एक डिफरेंट सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया है और वहां पे क्या होता है वही सारी स्टोरी है। कुछ ऐसा ही हमने राजकुमार हिरानी की मूवी लगे रहो मुन्ना भाई MBBS में भी देखा था, क्योंकि वहां पर भी करेक्टर सेम थे। संजू बाबा का करेक्टर और अर्शद वारसी का करेक्टर जो था वो सेम था, लेकिन वो एक डिफरेंट सिचुएशन में थे, तो वो पहली स्टोरी को कंटिन्यू नहीं होती है, वहां पर एक कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी होती है। तो सेम वे यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। डायरेक्टर राज शांडलिया ने तो जैसे कमाल ही कर दिया हो। आई मीन आयुष्मान खुराना, अनु कपूर, परेश रावल, असरानी, राजपाल यादव, मनोज जोशी, विजय राज, मनजोत सिंह, अभिषेक बनर्जी। इस मूवी की कास्टिंग मुझे अनीस बाजमी की मूवीज की याद दिला रही है, जहां पर बहुत चुन चुन के बेहतरीन एक्टर्स हुआ करते थे जो कि जबरदस्त कॉमेडी करते थे। तो कुछ इसी तरह की कास्टिंग भी राज ने इस मूवी में की है। एक रात के इतने पैसे मिल रहे हैं, मतलब गाना गाने के क्यों नहीं गा रहे? पर वो लोग कुछ बजाने को ना बोल दे, यही सोच के घबराहट सी हो रही। ट्रेलर में ही इतनी सारी गुड पंच लाइंस हैं कि अब मैं ये सोच रहा हूँ कि पूरी की पूरी मूवी में क्या हाल होने वाला है। मतलब ये तो कॉमेडी की बहुत ही जबरदस्त मूवी होने वाली है। एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग कि अनन्या पांडे इज डूइंग अ वेरी स्मॉल बजट मूवी, जहां पर वो एक काफी डिफरेंट करेक्टर में, रोल में नजर आ रही हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बोर हो चुका हूँ हर मूवी में, हर इस तरह की स्मॉल बजट मूवी में भूमि पडनेकर को देख देखकर। बॉलीवुड वाले भी ना सेम एक्टर के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं कि मतलब एक ही एक्टर को, सेम एक्टर को सिमिलर रोल दे देके वो बोर कर देते हैं ऑडियंस। तो आई एम वेरी हैप्पी कि इस मूवी में मुझे एक स्मॉल बजट मूवी में अनन्या पांडे नजर आ रही हैं, और अनन्या पांडे की लुक भी बड़ी प्यारी लग रही है, खास तौर से उनकी वो बिंदी और उनकी वो नथनी, उसमें वो बहुत ही क्यूट लग रही है। इस शॉट में तो लग ही नहीं रहा है कि आयुष्मान खुराना है। आई मीन आप गौर से देखिए तो लगता है कि कोई बहुत ही खूबसूरत लड़की जो है वो शॉट में नजर आ रही है। इस मूवी में अभिषेक बनर्जी, जो कि अपना एक्टिंग का जलवा बहुत सारी मूवीज में दिखा चुके हैं, वो नजर आ रहे हैं करेक्टर में जिसका नाम है शाहरुख। आई मीन ये सुन के ही मुझे बहुत हंसी आई, क्योंकि मैं पर्सनली बहुत सारे लड़कों को जानता हूँ जिनका नाम शाहरुख है, तो वो खैर इस तरीके के तो नहीं है दीवाने जो दिखते हों, लेकिन फिर भी इस मूवी में दिस कैरेक्टर लुक्स रियली ग्रेट। अच्छा एक बात बताइए, क्या ये सिर्फ मुझे ही ऐसा लगा कि आपको भी ऐसा लगा कि परेश रावल की जो लुक है इस मूवी में वो काफी हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिलती जुलती है? मतलब मुझे तो ऐसा लगा कि वो ही लुक्स क्वाइट सिमिलर टू आवर प्राइम मिनिस्टर। व्हाट डू यू थिंक, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये जो मूवी में इन्होंने एक सिचुएशन क्रिएट की है कि आयुष्मान खुराना का जो करेक्टर है वो अनन्या पांडे के करेक्टर से मोहब्बत करता है और वो आपस में शादी करना चाहते हैं। 25 लाख रुपए, ये अगर कर सकते हो तो करके दिखाओ 6 महीने में। रोड़ी चल रहा है यहाँ पर, टास्क दे रहे हो मुझे। लेकिन अनन्या पांडे के फादर उनको कहते हैं कि भाई तुम एक हफ्ते में इतने पैसे लेके आओ तो मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा। तो एक तरफ वो शाहरुख से निकाह करने जा रहे हैं और दूसरी तरफ उनका दीवाना आशिक है जो कि है विजय राज निभा रहे हैं वो रोल। तो ये बड़ा ही फनी काइंड ऑफ सिचुएशन होने वाली है, जहां पर थोड़ी सी हमें लड़ाई झगड़ा भी नजर आएगा क्लाइमेक्स में और कुछ मस्ती मजाक भी नजर आएगा, जिस तरह की अनीस बाजमी की मूवीज हुआ करती थी, वेलकम हो गई, नो एंट्री हो गई। तो ओवरऑल मुझे ये ट्रेलर बहुत ही पसंद आया, जहां पर एक तरफ तो मैं देख रहा हूं कि बहुत ही सारे दिग्गज एक्टर्स इसमें नजर आ रहे हैं जो कि हमें बहुत अच्छी कॉमेडी दिखाने वाले हैं, और दूसरी तरफ है इस फिल्म के मेन लीड आयुष्मान खुराना, और मैं अनु कपूर को भी यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा, क्योंकि अनु कपूर और आयुष्मान खुराना की पहली मूवी में अनु कपूर ही थे विकी डोनर में, और उन दोनों की जो टाइमिंग थी वो बहुत ही कमाल की थी। अनु कपूर वैसे भी बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, बहुत ही कमाल के एक्टर हैं, बहुत ही पुराने एक्टर हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का जो रोल है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। करम लो बेटा बात करो, कौन है? क्रेडिट कार्ड वालों कॉमेडी के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस मूवी को थिएटर में देखने के लिए, क्योंकि ड्रीम गर्ल 1 भी बहुत ही अच्छी मूवी थी, कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके आई थी बॉलीवुड में,
और ये मूवी भी कुछ उसी को ही अलग तरीके से प्रेजेंट। मेरी तरफ से इस मूवी के ट्रेलर को पूरे 5 स्टार। आपको कैसा लगा ये ट्रेलर कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि क्या आप ये मूवी थिएटर में जाके देखना पसंद करेंगे या इंतजार करेंगे कि ये कब मूवी OTT पे रिलीज होगी और फिर देखेंगे, तो जरूर बताइएगा। वीडियो खत्म करने से पहले इस वीडियो को लाइक और पेज को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली वीडियो तक के लिए शब खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट।